मेरी बहने यहाँ खड़ी है, आप ये बताओ आपके आंसू पूछने आया कोई? आप जिस हालात में रहते हो कोई आपके घर देखने आया? बहन किसने कहा कि आप पढ़ो हम लोग आपके पीछे खड़े? कहा किसने? किसने कहा कि घबराना मत तुम्हारी तरफ आग उठने वाली हराम का जवाब देने के लिए तुम्हारा भाई खड़ा? किसने कहा? उन नेताओं को तुमसे मतलब नहीं है, उनके लिए तुम सिर्फ चारा हो वोट का। जिस दिन वोट खत्म, चुनाव के बाद बताना कौन आएगा आपके बीच में। और ये खड़े मैट सिंह और यहाँ के लोग, मैं तो उनका धन्यवाद देता हूँ। आज वो शायद यहाँ नहीं है, कहीं रोजगार के तलाश में निकले होंगे सुमित और सब लोग, मगर मैंने देखा कि वो अपनी जान की परवाह ना करते स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ी उन लोगों ने मेरे साथ खड़े होकर। और मैं तो एक पढ़ा लिखा वकील आदमी, कहीं भी रोजगार कर लूंगा, कहीं से भी 2 रुपए कमा के अपना घर चला लूंगा, लेकिन आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? आप ऐसे इन्हीं के बीच में फंसे रहना चाहते हो? हमारे यहां तो एक कहावत है कि अजमाए हुए को अजमाना नहीं चाहिए। आप बताओ अगर आपकी जिंदगी बदल गई, उन नेताओं ने बदल दिया, तो मत करो मुझसे प्यार, मत दो मुझे मेरा साथ, और नहीं बदली हो तो फिर मुझे एक अवसर दे के देखो। मुझे अवसर मिलेगा तब। मेरी मां भी कहती थी, जब उससे पूछा गया ना कि आपका बेटा तो जेल में, आप क्या करोगे, तो उसने कहा कि मैंने तो समाज के नाम समर्पित कर दिया। मैं तो जिस दर्द को मैंने सहा है ना, मैंने 16 महीने में एक बार उफनी की, 16 महीने के दिन गिनोगे तो आपको एहसास हो जाएगा मैंने कभी उफनी की। मैंने तो सिर्फ ये उम्मीद की कि कुदरत मुझे, सतगुरु रविदास जी महाराज मुझे मौका दे कि मैं बाहर आऊं और अपने लोगों के लिए लड़ूं। तो मैं तो अपना काम कर रहा हूं। आप ये बताओ, बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हुए।